यू आर वॉचिंग गली न्यूज। दोस्तों, मिलिंद देना ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। उनके साथ ही उनके कई सालों से साथ चलने वाले, उनके दामन पकड़े चलने वाले अमीन पटेल जी एमएलए जो है, 3 टाइम MLA रह चुके हैं। अमीन भाई, मिलिंद जी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा, आपकी क्या पोजीशन, आप क्या करेंगे? मुझे बेहद अफसोस है कि मिलिंद देवरा जैसा एक नेता कांग्रेस से अलग होकर अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर रहे हैं। हम मुरली भाई की उंगली पकड़ के राजनीति में आए थे, उनके साथ में हमारे पारिवारिक ताल्लुकात थे, पॉलिटिकल ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, मगर वो हमारे परिवार के हमारे भाई थे। बेहद अफसोस है मुझको। हम लोग बार बार ये डिमांड करते थे कि ये सीट जो दक्षिण मुंबई की है वो मिलिंद देवरा को लड़ाना चाहिए, मिलिंद देवरा बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, ये सीट जीत सकते हैं, मगर घड़ी घड़ी बार बार अलग अलग स्टेटमेंट आते रहे और आज वो बड़ी अफसोस के साथ वो तो चले गए जी। मैं कांग्रेस में हूँ हमेशा। आपके जो कॉर्पोरेटर्स है, जो आपके एरिया के 6-7 कॉर्पोरेटर, उनका कुछ लोग उनके साथ में, कुछ कॉर्पोरेटर और पार्टी के लोग, क्योंकि मिलिंद भाई का यहाँ पर काफ़ी वर्चस्व था, उनके साथ में लोग गए हैं। अब मिलिंद भाई हमारे बड़े नेता थे। अमीन भाई, आपने हमेशा मिलिंद देवरा को आगे रख के आपके एरिया में जो वोट्स की बात कही थी, मिलिंद देवरा आपके जो है जो आपका आइडियोलॉजी बताते थे आप, तो मिलिंद देवरा के जाने से आपके एरिया में कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ? देखिए, कांग्रेस को तो नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमको एज ए फैमिली भी बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, मेरा सवाल ये था अमीन भाई कि आपकी जो वोट बैंक है उसमें आप क्या बोलोगे? मतलब लोग पूछेंगे कि अमीन भाई वो तो मिलिंद देवरा चले गए, क्या रीज़न था? लोगों को बताना पड़ेगा। जो रीज़न है वो लोगों के सामने है, बताने की ज़रूरत है। आज के आपके जैसे चैनल के माध्यम से हमको पता चलने के पहले आपको पता चलता, आपने मुझको ट्वीट बताया, मैं तो कह मैं था, आपने ट्वीट बताया कि मिलिंद भाई ने ट्वीट किया है, तो मीडिया के माध्यम से लोगों को उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफ उनको पता है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह रहा हूँ। यही होता है नेता की खासियत। ऐसा नहीं है कि अमीन पटेल जी को मालूम नहीं होगा, अमीन पटेल जी को मालूम होगा। कई दिनों से मीटिंग चल रही है पार्टी लेवल पे, पार्टी लीडर्सों की, मिलिंद देवरा जी ने सबसे बात किया। एक खास बात ये पता चली कि आज तक मिलिंद देवरा जी ने कभी किसी को जोर नहीं दिया कि मेरे साथ आओ, उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं जा। मिलिंद देवरा जी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, आप उनके एरिया के कॉरपोरेटर है, जावेद भाई क्या कहना? ये बड़ी अफसोस की बात है कि मिलिंद देवरा जी ने बड़े, उन्होंने भी जो दिल पर पत्थर रख के फैसला लिया होगा और किसी वजह से कांग्रेस छोड़ के चले गए, लेकिन हम बॉर्न कांग्रेसी है, कांग्रेस से अपने राजनीति करियर की शुरुआत की थी, कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं और कांग्रेस में रहे। कितना इफेक्ट पड़ेगा मिलिंद देवरा के जाने से? देखिए, इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि मिलिंद देवरा जी और उनके परिवार ने 50 साल तक अपना यहाँ से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमारे एरिया के अंदर हमारे आमदार अमीन पटेल साहब यहाँ पर है, अब और क्या, हमारा जो भी है लोगों का काम करना है, खिदमत करना है, लोग खिदमत करके साथ में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।